हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक। और जैसे मेरे दूसरे वीडियो पे मुझे बहुत कमेंट्स आई थी कि मैम, ग्रेजुएशन के बाद अभी नेक्स्ट करियर ऑप्शन क्या है, और इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट्स आई थी, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यदि आप फार्मेसी ग्रेजुएट हो या फिर बीएससी बायोटेक में की हो, तो आप एब्रॉड में मतलब अदर कंट्रीज में जॉब करने का सोच रहे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आउट ऑफ कंट्री मतलब इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में मैं इस वीडियो में सब डिटेल बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम फ्रेंड मेडिकल कोडिंग के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेडिकल कोडिंग क्या है और मेडिकल कोडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन से सर्टिफिकेशंस है और उसका आगे जाके स्कोप क्या है, क्योंकि फार्मेसी करने के बाद भी अब जॉब करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट होके तो आपका स्कोप और बढ़ सकता है। और इस कोर्स करने की वजह से आप अदर कंट्रीज में भी ट्राई कर सकते हो जॉब के लिए। तो ये सब हम मेडिकल कोडिंग के बारे में इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। मेडिकल कोडिंग क्या होती है, मेडिकल कोडर क्या होता है। मेडिकल कोडिंग के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। मेडिकल कोडिंग क्या होती है, जब जैसे कि इंडिया में बहुत सारी कंपनी हॉस्पिटल्स में भी अभी एक्सेप्टेबल है इंश्योरेंस, बट आप यूएई में जाए, यूएस में जाए, तो वहाँ पे मोस्टली जो पेमेंट होता है फिजिशियन का, डॉक्टर्स का, वो इंश्योरेंस थ्रू होता है। मतलब पेशेंट को कुछ बीमारी हो गई है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, पूरा हिस्ट्री उनको बताएंगे, उसको क्या डिसीज क्या हुआ है, बीमारी क्या हुई है, और बाद में फिर जो ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर का वो डॉक्टर उसे देंगे, बट फिजिशियन को जो पेशेंट है वो पे नहीं करते, तो इंश्योरेंस कंपनी करती है। जो पेशेंट से उनका इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको पे करती है, तो ये सब साइकिल होता है। इस साइकिल को मेडिकल कोडिंग की लैंग्वेज में RCM बोलते हैं, रिवेन्यू साइकिल बोलते हैं। तो ये रिवेन्यू साइकिल जो है, ये पूरा जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में हुआ, ये पूरी हिस्ट्री जो है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देखती, तो उसके लिए ट्रांसलेटर यानी कोडर होता है। तो कोडर क्या करता है, पूरी हिस्ट्री जो है पेशेंट्स की वो फाइल्स चेक करता है, उसको ट्रांसलेट करता है इंटू यूनिवर्सल कोड, दैट इज अल्फानिमेरिकल कोड्स जो होते हैं यूनिवर्सल, उसमें वो कन्वर्ट करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ वही कोड देखती है और उसके अनुसार उसका अप्रूवल देती है कि कौन सा आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है और कौन सा कवर्ड नहीं है। तो ये सब पूरा जो काम होता है, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है उसको कन्वर्ट करने का अल्फा न्यूमेरिकल कोड में, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो उसका काम मेडिकल कोडर करता है। तो फिर ये कोडर आप कैसे बन सकते हो, तो फॉर कोडर यू नीड टू परस्यू अ सम स्पेशलाइज एजुकेशन। इसके लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना पता होना जरूरी है, क्योंकि जो ऑल सिस्टम्स है, जो हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डायग्नोस्टिक सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डिफरेंट सिस्टम है, उसके लिए अलग अलग सर्जरी का अलग कोड होता है, डिसीज का अलग कोड होता है, और जो आप प्रोसीजर में जो कुछ चीज़ें यूज कर रहे हो, जैसे कि कैनुला, फोर्सेप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए अलग कोड होता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक तीन कोडिंग सेट है, जैसे ICD-10CM इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज इज अ 10th एडिशन, दैट्स व्हाई 10CM वहाँ पे बोला है, और CPT बुक होता है एक, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी का, जिसमें जो आपकी सर्जरी प्रोसीजर है उसके कोड्स होते हैं नियर अबाउट 8000, और ICD-10CM में नियर अबाउट 69 to 70,000 कोड होते हैं, और जो SCPCS हिपिक्स का बुक है उसमें भी जो फोर्सेप कैनुला हम यूज करते हैं उसके कोड होते हैं। तो मेडिकल कोडर बनने के लिए आपको ये कोडिंग का नॉलेज जरूरी है, इसके लिए CPC करके एक कोर्स होता है, वो कोर्स आप कर सकते हैं, उसमें आपको ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोड, मतलब आप कोडिंग तो सीख लिए, बट उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशन होना भी जरूरी होता है, क्योंकि इट्स नॉट मस्ट कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए, बट कोई कोई कंपनी जो है सर्टिफाइड कोडर को ही मतलब ये करती है, अपॉइंट करती है, और उनको लगता है, क्योंकि आपको पता है सबको आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है, तो सर्टिफिकेशन आपके पास होगा तो आपका स्कोप बढ़ जाएगा। सो, इसके लिए आप AUPAC, AAPC एंड AHIMA करके दो सर्टिफाइड जो ग्लोबली
पता है सबको, ऐसे दो ये ब्रांच है जैसे एडवांसिंग ऑफ बिजनेस हेल्थ केयर एपीसी एंड अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन अहिमा, इसके द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ये जो अहिमा और एपीसी का सर्टिफिकेट है आपको यूएई में यानी कि दुबई अबू धाबी में वर्क करने के लिए भी चल जाएगा, और उसके बाद फिलिप्स में भी है, यूएस में भी ये सर्टिफिकेट चलता है, और इंडिया में भी बहुत सारा स्कोप अब हो गया है और ये सर्टिफिकेट इंडिया में भी चलता है। सो आप यदि आपके पास एपीसी और अहिमा का सर्टिफिकेट है तो आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो जाते हो, तो इसलिए सर्टिफिकेशन आपके पास होना जरूरी हो जाता है। तो अब आप बोलेंगे उसको हम मेडिकल कोडिंग करने के बाद हम जॉब कहाँ मिलेंगे, तो जैसे क्लेम प्रोसेसर होता है, मेडिकल कलेक्टर होता है, मेडिकल इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, क्लिनिक से सॉरी हेल्थ केयर कंपनी है, जैसे इंडिया में जीप्स है, कॉग्निजेंट है, चेन्नई में भी बहुत सारी अब स्कोप चल रहा है मेडिकल कोडिंग की, बहुत सारी वैकेंसी, बड़े बड़े ड्राइव 100 150 ऐसे स्टूडेंट की बैचेस वहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। और जो मेडिकल कोडर है वो फ्लेक्सिबल वर्क वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है, बट सैलरी एंड ऑल टोटली डिपेंड ऑन कंपनी। सो इलेक्ट्रॉनिक क्लेम प्रोसेसर जो होता है वहाँ भी मेडिकल कोडर का स्कोप होता है। और अब आजकल इंडिया में भी बहुत सारी हॉस्पिटल से जो बड़े बड़े वो ई पेमेंट करने का सोच रहे हैं यानी इंश्योरेंस थ्रू, तो मेडिकल कोडिंग एक बहुत ही स्कोपिंग ब्रांच है। सो आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू वर्क इन आउटसाइड अब्रॉड, तो ये कोर्स करना आपके लिए अच्छा है। और आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए जैसे कि कोर्स में होता क्या है, उसके लिए उसकी एग्जाम कैसे होती है, तो आप वैसे मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसके लिए भी आपके साथ छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।